नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद प्रिंस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक खादें जो होती हैं हमारे पौधों के लिए कितनी आवश्यक हैं और उन ऑर्गेनिक खादों को हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं। तो एक बहुत ही शानदार सा तरीका है ऑर्गेनिक खाद घर पर बनाने का, वो तरीका हम आपको बताने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ से जो कि हमारे घरों में अवेलेबल होती है, यानी कि जो कंडे होते हैं जिससे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, तो उनका इस्तेमाल अक्सर घरों में होता है आग जलाने के लिए। तो हम आज कंडे से बताने वाले हैं किस तरीके से आप इसी तरीके की बेहतरीन ऑर्गेनिक खाद बनाने वाले हो, और वो पूरी की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए इस तरह का कंडा लेना है। जो इस तरह का कंडा होता है हमने इसी कंडे का इस्तेमाल किया है जिससे हमने एक खाद बनाई है। प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ा सा समय लगता है, लगभग आपको इसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है अगर आप सही तरीके से खाद बनाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस तरीके से किया जाए कि डायरेक्ट कंडे को हम तोड़ करके पौधे में डाल दें। तो दोस्तों बताना चाहेंगे इससे कोई फायदा नहीं होगा, आपके पौधे को किसी भी तरीके की कोई खाद नहीं मिलेगी, आपका पौधा खराब हो जाएगा, क्योंकि जो कंडा है वो फिर मिट्टी से क्रिया करेगा और क्रिया करने के बाद आपका पेड़ खराब हो जाएगा। तो इसको पहले से ही हम अच्छी तरीके से सड़ा करके इसकी पहले में खाद बनानी होगी, और जब एक खाद बन जाएगी तो ये बहुत ही बेहतरीन अच्छे न्यूट्रिशन वाली उम्दा तरीके की खाद बनकर के तैयार होगी। तो इस खाद की बनाने की प्रक्रिया को चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं कुछ एक कंडे, जो कि ये हमने यहाँ से 4 से 5 कंडे ले लिए हैं जो उपले हैं गाय काउडंग कंपोस्ट, जिसको हम बोलते हैं कि हमसे कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये काउडंग यानी कि गोबर, जो गाय का गोबर होता है उससे बने हुए कंडे या उपले होते हैं। सबसे पहले इनको हमें ब्रेक कर लेना होता है। तोड़ने से क्या होगा कि हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे और हमें इनको पानी में डिप करना होता है, इसलिए तोड़ना जरूरी है। तोड़ लेंगे तो ये आसानी से फूल जाएंगे, आसानी से डिप हो जाएंगे। और हमें चाहिए एक टब, यहाँ पर 1 या 2 टब चाहिए, और इसके साथ में आपको थोड़ा सा गुड़ चाहिए, और अगर थोड़ा सा दही मिल जाए तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है पहले से तो थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट भी इस प्रक्रिया पर चाहिए होती है। तो ये हमें मटेरियल्स चाहिए होता है, तो हम वो मटेरियल पहले ही इकट्ठा कर लेंगे उसको बनाने के लिए। तो फटाफट हम इसको क्या करते हैं, ब्रेक कर लेते हैं सारे के सारे उपलों को, और हमें कोई भी बकेट या फिर कोई टब चाहिए होता है। हमारे पास एक टीन का ये बाल्टी पड़ी हुई है, बाल्टी कह सकते हैं या फिर इसको टंकी कह सकते हैं, रखी हुई है। तो हम फटाफट इसमें सारे के सारे ये उपले डाल देंगे, और उपले डालने के बाद आपको इसमें पानी भर देना है इसकी बराबर मात्रा पे, और इसको लगभग 48 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। 48 घंटे पानी पे पड़े रहेंगे, पानी यहाँ से हम इस पर डाल देते हैं, 48 घंटे के लिए छोड़ देना है। और इसके बाद 48 आवर्स बाद आपको इसको निकालना है, और निकालने के बाद जो इसका वेस्ट पानी है इसके अंदर उसको भी नहीं फेंकना, उस पानी को निकाल के आप प्लांट्स पे डाल सकते हो, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। और इसके बाद इन कंडे या उपलों को निकालने के बाद 48 आवर्स के बाद हम इनको निकालेंगे। निकालने के बाद इसको हाथों से रगड़ करके, दस्ताने वगैरह पहन लीजिएगा, और हाथों से रगड़ करके अच्छी तरीके से मिक्स करके मैश कर देंगे। और इसके बाद आपको उसमें गुड़ में पानी में घोल करके गुड़, और उसी में थोड़ा सा दही डाल करके मिला करके इसमें डाल देना है। और इसके बाद इसको 4 से 5 दिन में खोल खोल करके इसको पूरा नीचे से घुमाते रहना है। हम आपसे बताना चाहेंगे, माफी चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक बीज का वीडियो डिलीट हो गया है, इस वजह से हमें सारी की सारी प्रक्रिया आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है। और लगभग आप इसको लगातार इस तरीके से करते रहेंगे, और 2 महीने तक, लगभग 1.5 से 2 महीने तक आपको इस प्रक्रिया को करना है। हफ्ते में 10 दिन में निकाल करके देखना है, और उसको पूरा का पूरा नीचे से हिला देना है। अगर आपको नमी कम लगे, पानी की मात्रा कम लगे, तो पानी भी डाल दीजिएगा। इसके बाद लगभग 1.5 महीने बाद का रिजल्ट है, हमने इसको निकाल करके बाहर फैला दिया है, क्योंकि हमारी खाद अच्छी तरीके से तैयार हो गई है लेकिन थोड़ी सी गीली है, इसमें नमी है। तो हमने इसको क्या किया है, बाहर बोरी में फैला दिया है। 4 से 5 दिन आप इसको बाहर फैलने दीजिएगा, सूखने के लिए दीजिएगा, धूप में मत डालिएगा, छाया वाली जगह पर डालिएगा। जब आपकी खाद सूख जाए अच्छी तरीके से, तो हाथों से दस्ताने वगैरह पहन करके हाथों से अच्छी तरीके से रगड़ दीजिएगा कि उसमें जो किसी तरीके की गुलथी वगैरह बन रही हो कुछ, तो वो सारी की सारी मैश हो जाए। और आप इसको देख पा रहे हैं, बहुत ही लाइट वेट, ये बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरीके आपकी खाद तैयार हो गई है, बहुत ही लाइट वेट है। आप इसको प्लांट्स पे दीजिएगा, आपके प्लांट्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके का न्यूट्रिशन प्राप्त होने वाला है। आप देख पा रहे हैं खाद बन गई है। हम ये करी पत्ते का हमारा पौधा है तो इस पर हम दे देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 2 से 3 जो भी आपके पास पात्र है डालने वाला, तो इस तरीके से उस पर भर देंगे। और अगर आप चाहेंगे तो अच्छे तरीके से गुड़ाई करके अगर डालेंगे किसी भी पौधे पर तो और अच्छी बात है। अक्सर गमलों में छोटे पौधों में गुड़ाई कम करते बनता है, अगर आप गुड़ाई कर सके तो गुड़ाई करके जरूर डालिएगा। हमारा ये नींबू का पेड़ है, हाइब्रिड नींबू, बहुत सारा, देखो इसमें नींबू फला हुआ है, हम इस पर भी 2 से 3 यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरीके से आप घर पे अपने कंडे या उपले से
ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं। आपको ये खाद बनाने की प्रक्रिया कैसे लगी कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।